में मैं हूं आपके साथ कुलभूषण राजदेव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से, मुरादाबाद से। इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है जहां पर पुलिस बर्बरता का वीडियो सामने आया, तो पुलिस ने युवक पर बरसाए हैं डंडे और पुलिस की कार्यशैली पर एक बार फिर से उठे हैं सवाल। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र का मामला है, इस वक्त की बड़ी खबर मुरादाबाद से आपको बता रहे हैं। और ये देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बर्बरता खाकी की एक बार फिर से सामने आई उत्तर प्रदेश। और ये देखिए किस प्रकार से डंडे पे डंडे बरसा रहा है खाकी, क्या वजह थी, कार्यशैली पर सवाल उठे हैं। मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, पुलिस की कार्यशैली पर उठे हैं सवाल। और तस्वीरें देखिए, एक नहीं दो नहीं तीन तीन युवकों पर इस तरह से लाठी डंडे जो बरसा रहा है, क्या वजह थी ये सामने आ रही है। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र का यह मामला है जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर उठे हैं सवाल। बर्बरता का वीडियो जो है मुरादाबाद से सामने आ रहा है पुलिस का, तो यह कानून कैसा है, यह बड़ा सवाल यह उठता है कि यह कानून कैसा है, कैसा कानून है कि खाकी जो है इसी कानून को हाथ में लेकर डंडे बरसा रही है। किसने यह कानून दिया है खाकी को कि इस तरह से डंडे बरसाए, बड़े सवाल उठते हैं पुलिस पर। उत्तर प्रदेश की पुलिस अक्सर चर्चाओं में रहती है और एक बार फिर से खाकी के दामन में लगा है दाग। सवाल यह भी उठता है कि क्या डीजीपी ओपी सिंह साहब जो है खाकी की इस बर्बरता का वीडियो देख रहे हैं। और यह देखिए किस प्रकार से एक दो नहीं तीन तीन युवकों पर लाठी जो है बरसा रहा है, किस हेकड़ी को दिखा रहा है ये पुलिस का बाशिंदा, बड़ा एक सवाल उठता है। क्योंकि इस तरह से पुलिस के ने युवक पर जो डंडे बरसाए कार्यशैली पर सवाल उठते हैं। और अक्सर उत्तर प्रदेश की पुलिस पर उसकी खाकी पर दामन पे जो धब्बा लगता है, एक और सवाल उठ रहा है, एक और धब्बा लगा है पुलिस की कार्यशैली को लेकर के। थाना सिविल लाइंस क्षेत्र का मामला है और ये देखिए किस प्रकार से डंडे बरसा रहा है, किसने कानून दिया है, किसने अधिकार दिया इस तरह से पुलिस की बर्बरता का। और इसी पर ज्यादा जानकारी साथ मुरादाबाद से हमारे संवाददाता आशु हमसे जुड़ चुके हैं। आशु, आपसे जानना चाहेंगे वीडियो में जिस तरह से खाकी के योद्धा जो है लाठी बरसा रहे हैं आम जनता पर, क्या कुछ मामला है आखिर। कुलभूषण, मैं सबसे पहले आपको बताऊं, क्योंकि ये जो पूरा मामला है शायद ही सामने नहीं आता अगर वहां पे सीसीटीवी कैमरा नहीं होता। क्योंकि पुलिस के ऐसे बहुत सारे अत्याचार अभी भी डीजीपी की सख्ती के बाद जगह जगह होते रहे और ऐसे मुरादाबाद में भी कई जगह होते हैं। क्योंकि वहां सीसीटीवी कैमरा लगा था तो सबसे पहले ये फुटेज जो मीडिया के सामने आई वो सीसीटीवी कैमरे के थ्रू आई। और ये मामला मुरादाबाद के सिविल लाइन थाना। शुक्रिया आशु आपका तमाम जानकारियों को देने के लिए।